Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance, your dance YouTube channel. हम regular हर class में choreography को सीखने के हर possible topics को cover करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने जाना कि हम choreography को कैसे सीख सकते हैं किसी दूसरे teacher या instructor से। फिर हमने जाना कि हम किसी भी choreography को कैसे अच्छे तरीके से practice कर सकते हैं। अगर उन सारे video को आपने अब तक नहीं देखा है, so what are you doing? अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको किसी कोरियोग्राफी को बहुत कम समय में याद करना हो या सीखना हो तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए, और कहें तो हाउ टू मेमोराइज एनी डांस कोरियोग्राफी व्हेन यू आर शॉर्ट इन टाइम। वैसे तो हमारे पास किसी भी कोरियोग्राफी को सीखने के लिए बहुत सारा समय होता है, तो फिर आखिर हमें कब और ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें किसी कोरियोग्राफी को इमीडिएटली और शॉर्ट टाइम में सीखना पड़े। देखो, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप किसी फंक्शन में या किसी कॉम्पिटिशन में या किसी ऑडिशन में गए हों और इमीडिएटली आपको किसी कोरियोग्राफी को याद करना या सीखना पड़ता होगा, या कहें तो आगे सीखना पड़ सकता है। तो आखिर कैसे हम किसी भी डांस कोरियोग्राफी को कम से कम समय में सीखें? लुक, इसके कुछ बहुत ही नॉर्मल लेकिन ध्यान देने वाले पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को देखने के बाद ऐसी वीडियो को लाइक, शेयर और अपना कमेंट जरूर दिया कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ऐसी नॉलेज आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा पहला पॉइंट है स्टार्ट रनिंग इमीडिएटली। डरिए मत, यहां मैं आपको भागने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास आपके डांस को सीखने के लिए बहुत कम समय है तो आपको अपना एक एक सेकंड सेव करके आपको सही सही जगहों में लगाना है। तो अपना ज्यादा समय अपने कोरियोग्राफर को देख के उसकी कोरियोग्राफी को समझने में मत लगाइए। फटाफट अपने डांस टीचर या इंस्ट्रक्टर के पास उठ के जाइए और उनके स्टेप को समझ कर उसे कॉपी करने की कोशिश करिए, और जितना जल्दी हो सके उन सारे स्टेप्स को अपने बॉडी में याद करने की कोशिश करिए। डोंट पॉज ओवर इंडिविजुअल मूव्स और कॉम्बिनेशंस। लुक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको किसी डांस के स्टेप को या स्टेप के कॉम्बिनेशन को सीखने में परेशानी आ रही है और आपका कीमती समय बहुत बुरी तरह से वेस्ट हो रहा है, तो आपको उसी वक्त उस स्टेप को या स्टेप के कॉम्बिनेशन को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। आपको खुद में ये एक्सेप्ट करना है और खुद को समझाना है कि अगर मैं अपना ये कीमती समय किसी एक स्टेप को या स्टेप के कॉम्बिनेशन को सीखने में लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं अपना पूरी रूटीन भी कंप्लीट ना कर पाऊं। देन व्हाट वी डू फॉर दोज डिफिकल्ट स्टेप्स? वेल, उन सारे एक एक डिफिकल्ट स्टेप्स के लिए आप एक अमाउंट ऑफ टाइम अलग से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स फॉर ईच स्टेप, और फिर आप उसके आगे बढ़ सकते हो। टेक अ लिटिल ब्रेक एंड जस्ट वॉच। ऑल्दो जब आप न्यू कोरियोग्राफी सीख रहे हो और आपके पास बहुत कम समय हो, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इमीडिएटली जाकर फटाफट डांस को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बट सम टाइम यू नीड अ लिटिल ब्रेक। यदि आपके डांस रूटीन में कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसे समझने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खड़े हो जाइए और बस आप आराम से उस कोरियोग्राफर को बस देखिए। ऐसा हो सकता है कि आप कोरियोग्राफर की किसी ऐसी बात पर ध्यान दे दें जो कोरियोग्राफर के सिखाने और बताने से थोड़ा अलग हो, और फिर आपकी सारी प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाए। Practice as much as possible. We know you are getting late, you know you are getting late, and we don't have that much time. तो आपके पास दोबारा practice करने से पहले कुछ घंटे की छुट्टी, कुछ दिनों की छुट्टी जैसे luxury options नहीं होते हैं। No. Instead आपको करना क्या चाहिए? Practice. जितना ज्यादा आप practice करेंगे उतना ज्यादा आपकी body उस choreography के लिए used to हो जाएगी और आप उतना ही जल्दी choreography को सीख सकेंगे। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पे बात की वो दूसरे से कोरियोग्राफी सीखने और खुद से कोरियोग्राफी सीखने, इन दोनों प्रोस्पेक्टिव से था, बट ये जो नेक्स्ट वाली टॉपिक है वो खुद से कोरियोग्राफी को सीखकर याद करने के प्रोस्पेक्टिव से। एक्सपेंड योर डांस वोकैबुलरी। अगर आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डांस स्टाइल के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मूव्स को जानते हैं तो आप पूरी कोरियोग्राफ रूटीन को बहुत स्पीडली पिक कर सकते हैं। आपको उस वक्त किसी न्यू मूव को सीखने, नए स्टेप्स को क्रिएट करने या ज्यादा क्रिएटिव होने के बारे में नहीं सोचना है। अपने डांस रूटीन को क्रिएट करते वक्त आपको वैसे वैसे मूव्स को अपने डांस कोरियोग्राफी में ऐड करना है जिसे आप पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानते और कर सकते हो। इससे आप बहुत जल्दी कोरियोग्राफ करके अपने रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे। Alright guys, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है हमारी, वो आने वाली है कि आप अपनी कोरियोग्राफी कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कोरियोग्राफी को बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये 3 सीरीज में आएगी, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी एक एपिसोड मिस ना हो आने वाली। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और अपने कमेंट्स को नीचे लिखकर जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में।
थैंक यू सो मच। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, प्लीज़।